ईयर 2000 में क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने 7 मैथमेटिक्स की अनसॉल्व प्रॉब्लम को दुनिया के सामने रखा, और यदि आप इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको $1 million का प्राइज भी मिलेगा, जो है रीमैन हाइपोथेसिस पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम, बिर्च एंड सुनर्टन डायर कंजक्चर, हॉज कंजक्चर, नेवियर स्टेक इक्वेशन, यंग मिल्स थ्योरी और पॉनकेयर कंजक्चर। हालांकि इनमें से एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा चुका है, जो कि है पॉनकेयर कंजक्चर, जिसे रशियन मैथमेटिशियन ग्रेगोरी पेरेलमैन ने सॉल्व किया था, की वजह से उन्हें फील्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन जब उन्हें 2010 में मिलेनियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्राइज मिलने ही वाला था तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, और उन्होंने मना करने का कारण बताते हुए ये कहा कि रिचर्ड हैमिल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने भी इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और उस पर काफी वर्क किया था, हालांकि उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन ग्रेगोरी पेरेलमैन का कहना है कि इस प्राइज का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। कुमार ईश्वरन, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, तो क्लेम करते हैं कि उन्होंने रीमैन हाइपोथेसिस को सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैथमेटिकल क्ले इंस्टीट्यूट की 6 प्रॉब्लम